पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे वी जंगकुक और होबी को अपने पापों की सजा मिली, तो चलिए देखते हैं कि बाकी मेंबर ने क्या क्या पाप किए हैं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। वैसे तो मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। मैं इतना अच्छा इंसान हूँ कि लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं हमेशा। ओ, क्या सच में? कमीने! नहीं, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम एक बुरे इंसान हो? नहीं, मेरा एक नया जन्म हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर। मैंने तेरे को जाने नहीं कहा, तुम पापी इंसान, पूरा चर्च गंदा कर दिया। ओम स्वाहा। हाँ, अब ठीक है। ये पूरी दुनिया पाप से भरी हुई है। स्वागत है तुम्हारा पापा जी। हाँ बोलो बच्चे। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या तुम चुप हो सकते हो? प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, बोलो। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जे होप है। क्या वो किसी डाइवोर्स फैमिली से बिलोंग करता है? नहीं, वो घोड़े की फैमिली से बिलोंग करता है। सच में? हाँ सच में। दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। वो नाचने में मेरे से बहुत अच्छा और मैं बहुत गंदा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कितने गंदे हो नाचने में? आपका मतलब? मेरा मतलब एकदम साफ है कि तुम्हें मुझे नाच करके दिखाना होगा। ओके, पर मेरा मजाक मत उड़ाना। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हें देखूंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है तो अरे सॉरी। हाँ, तुम्हारे बाप की जो है। मैं ऐसे ही डांस करता हूँ। तो क्या तुम नशेड़ी हो? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं उस जेहूब के साथ ऐसे ही नाचता हूँ। क्या मुझे इस पाप के लिए माफ़ी मिल सकती है? हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हें माफ़ी मिल सकती है या फिर नहीं। क्या तुमने अभी मुझे नाचते हुए नहीं देखा, तो तुम्हें इतना परेशानी कैसे हो रही है? वो मैंने अच्छे से नहीं देखा ना। मैंने एक और पाप किया है। पापा जी। हाँ बोलो। मुझे फेस मास्क लगाना पसंद है। तो मैं क्या करूँ? मुझे माफ करना, मैं कुछ भी बोलता हूँ। ठीक है, मैंने माफ किया। ठीक है, मैं तुम्हें अपने अगले पाप के बारे में बताता हूँ। मेरा एक रूममेट है जिसका नाम मिन युंगी है। मिन युंगी? हाँ वही। हाँ, एक बार गलती से मेरा फेस मास्क उसके फेस पर गिर गया था, वो भी मेरा यूज किया हुआ। हाँ। अच्छा, एक में दो का हो गया, अच्छी बात है। सही है? हाँ, मेरी तरफ से ये कोई पाप नहीं हुआ। सच में ये पाप नहीं है? हाँ, तुम कोरिया गॉट टैलेंट में अप्लाई करना। धन्यवाद। ठीक है, तो मेरा हाथ पकड़ लो। अब तुम्हारे सारे पाप चले गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी? हाँ हाँ, माय नेम इज रैप मॉन्स्टर। How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you too. Do you like Rap Monster? I hear there's something that you don't like. If I ask you something, do you hate him? Are you understanding? So you know, there's a full of questions that I can ask you, but it's not that I ask you because you hate Rap Monster, so I'm asking why I'm asking for that. What the? Are you foreigner? मुझे माफ करना, क्या आप फादर सुगा हैं? नहीं, मेरा नाम फादर लुइस विलियम सुगा एडमस है। और कुछ तुम बताओ, क्या आप जूनियर पुजारी हैं? मैंने सोचा था कि आप बहुत सुंदर होगे क्योंकि आप पुजारी हो, लेकिन आपके चेहरे पे तो छोटे छोटे बाल हैं। क्या आप एक पुरुष हो? नहीं। आप तो बहुत गोरे हो, क्या आप विदेशी हो? मैं भी कहां फंस गया। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जिमिन है, तो हमें अपनी आर्मी से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। ओ अच्छा, गिफ्ट? तो हमें अंडरवियर भी मिलते हैं। अंडरवियर? ओ अंडरवियर, वही ब्रांड, वही डिजाइन, यहाँ तक कि वही कलर भी। अच्छा, हम उस पर अपना नाम भी लिखते हैं। क्या उस अंडरवियर को एक दिन तुम और एक दिन वो पहनते हो? नहीं, वो अपने वाले पे जेम लिखता और मैं अपने वाले पे आरएम लिखता हूं। आरएम और जेएम? पर क्या आपको पता है कि कपड़े धोने के टाइम ये नाम धुल सकते हैं? सही कहा, नाम तो धुल ही सकते हैं। एक दिन जिमिन मेरे पे गुस्सा हो गया, उसने बोला कि तुम मेरा अंडरवियर क्यों पहन रहे हो।
फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया, फिर मैंने बोला कि मैंने तुम्हारा अंडरवियर कभी नहीं पहना है, लेकिन मैं उसे पहनता था कभी कभी। हाँ, किसी और का अंडरवियर? चिमिन का अंडरवियर बार बार धोने के कारण ना मिट चुका था। कितनी बार धोया गया? शायद 22 बार। मैंने उसके सामने झूठा कसम खाया कि मैंने उसका अंडरवियर कभी नहीं पहना और मेरे से यह पाप हो गया। लेकिन अगर जिमिन ने अपना नाम फिर से लिखा अपने अंडरवियर पे तो मैं उसे कभी नहीं पहनूंगा। मैं तुम्हें इस पाप के लिए माफ कर सकता हूँ। तुम्हें जिमिन को 5 अंडरवियर लाकर देना होगा। मैं 5 क्या, 10 लाकर के दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो चुके हैं, तुम शांति से घर जा सकते हो। Here I came again. क्या आप भी फॉरेनर हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं? मैंने एक पाप किया है, मुझे अपने पाप के बारे में बताओ। मेरे दोस्त का नाम किम सुकजिन है, पर वो इतना भी बड़ा पाप नहीं है। बड़ा नहीं है? नहीं, मैं आपको दूसरे पाप के बारे में बताऊंगा। मुझे लगा ही था कोई बड़ा पाप नहीं होगा। मेरे दोस्त का नाम मिन युंगी है। ओह, आप इस बार नहीं पूछेंगे कि ये बड़ा पाप है या नहीं? नहीं, मैं पहले पूरी बात सुनना चाहता हूँ। मैंने मिन युंगी के साथ बहुत ही गंदा वाला पाप किया है। ओह, गंदा वाला? क्या किया है? मैं बाथरूम गया जो कि लिविंग रूम के पास नहीं है। मैं उस टाइम फेस वॉश लगा के अपना चेहरा धो रहा था। मैं अपना चेहरा पोंछने के लिए एक टॉवल उठाया तो उसी में एक टूथब्रश नीचे गिर गया। जब मैंने देखा उस टूथब्रश को तो मैंने देखा कि वो उसके अंदर चला गया था। तभी मैं सोचूं कि मेरा टूथब्रश गीला कैसे था। लेकिन मैंने ऐसा एक बार ही किया था क्योंकि मैं जल्दी में था और मैंने उसे अच्छे से नहीं धोया था, और मुझे लगता है बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हें इस पाप के लिए माफ करता हूँ। ये क्या है? इसे पकड़ने के बाद ही तुम्हें माफी मिलेगी, तो प्लीज इसे पकड़ लो। तुम इतने भी फनी नहीं हो जितना तुम्हें लगता है। मैं समझ गया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और अपनी बहती नाक के लिए कुछ कर लेना। अरे नहीं नहीं, ये तो मेकअप है, जो भी है बहुत ही गंदा है। बाय बाय। जिन आरएमबी और सुगा इसके बाद हमेशा ही खुश रहे।